बस और कोई फजूल बात मत करना। ऐसे नौशीन कैसी है? Come on यार, क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? शहीर, तुम्हें आज अभी इसी वक्त फैसला करना होगा, या तो मरियम तुम्हारी इंप्लॉय रहेगी या मैं तुम्हारा दोस्त। क्या बातें कर रहे हो यार, एक चीज चूज कर लो। अब तुम गलत कर रहे। मैंने कहा एक। शहीर, एक चीज चुनो, या मरियम या मेरी दोस्ती। ओके। मरियम यहां से कहीं नहीं जाएगी। अगर मरियम यहां से गई तो ये मरियम के साथ ज्यादती होगी। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मरियम यहां से कहीं नहीं जाएगी। I can't believe this. ठीक है शहीर, ठीक है, पछताने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारी रेप्यूटेशन और कंपनी, उसका नाम सब डूबने वाला है। सत्यन, प्लीज तुम यहां से चले जाओ, वरना सप्तन प्लीज यहां से चले जाओ। जा रहा हूं। अब तक तो मैं चुप था, अब नहीं छोड़ूंगा। मरियम नहीं आई? अब पप्पू आपको पता तो है वो देर से आती हैं। हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई। पप्पू, एक बात पूछूं आपसे। आपको याद है आपे की शादी पे अम्मी ने एक सेट निकाला था? हाँ याद है, बहुत प्यारा था। मिल ली रहो? मिल ली रहो? भाभी कहीं रख के भूल गई होंगी, उनको तो आदत थी चीजें रख के भूल जाने की। कभी भी ना अपने जेवर की खबर नहीं होने दी मुझे, हर चीज छुपा छुपा के रखते थे। वो ऐसे तो नहीं कहे, मैंने खुद 5-6 दफा देखा है। अम्मी ने आपको वो सेट दिया और आपने पहना भी। तो तुम क्या कहना चाहो कि उन्होंने दिया था, मैंने पहन के रख लिया? हाँ नहीं पप्पू, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। चलिए कोई बात नहीं, बाबा आएंगे ना, मैं बाबा से पूछ लूंगी, हो सकते है वापस बैंक में रखवा दियो। नहीं नहीं, भाईजान से पूछने की जरूरत नहीं है, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे बैंक और चेक कर लेंगे। हाँ, तुम भाईजान से ये जरूर पूछ लेना कि उन्होंने बैंक में भाभी का डेथ सर्टिफिकेट जमा करवाया कि नहीं। अगर नहीं करवाया होगा ना तो समझो सारी चीजें चली जाएंगी। ऐसे नहीं होता पप्पू, लेकिन मैं कर लूंगी बाबा से बात। तुम्हें बड़ा पता है कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। हाँ जाओ, जाके चाय बना के लेकर आओ, सर में दर्द हो रहा है मेरे।
मरियम यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अगर मरियम यहाँ से गई तो ये मरियम के साथ ज्यादती होगी। तो मैं जो सोच रहा है सोचो, मरियम यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। सत्यन कहाँ है? सब तो ऑफिस में होता। क्यों? मुझे उससे कोई जरूरी बात करनी थी। मैं उसके ऑफिस गया तो ऑफिस में नहीं है वो। उसका फोन भी बंद जा रहा है। हाँ, काम के सिलसिले में वो ऑन साइट जाता है ना, जहाँ वो घर बना रहा होता है, शायद इसलिए। क्या बात करनी थी उससे? बस ऑफिस के मुताबिक बात थी कुछ। क्या बताऊं तुम्हें, फोन भी नहीं उठा रहा है वो। क्या मतलब? मैं नहीं समझूंगी। मैं ऑफिस की बात अब तुम्हें क्या समझाऊं? वैसे समझाओ जैसे बाकी बातें समझाते हो। क्या हुआ? बहुत जिद्दी हो तुम। हाँ हो, बताओ क्या हुआ। कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने का इम्कान, पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, इसीलिए एडवोकेट शकील फॉर्म लेना चाह रहा है सिप्तेन से। तो तुम्हारा मतलब है कि मरियम की असलियत बेनकाब होने लगी? ये सिंपल सी बात है, ऐसे बोलो तो ऐसे कह रहे थे, बात नहीं समझा सकता। ऐसा तुम सोचती हो, मैं नहीं। मुझे लगता वो बेकसूर है। दिल पे काबू रखो, नोट कर रही हूँ मैं। पिछले चंद दिनों से तुम मरियम के अलावा कुछ बात ही नहीं करते। पसंद तो नहीं आ गई तुम्हें? What rubbish? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? कैसी बेहुदा बात कर रही हो तुम? बेहुदा बात नहीं है, फैक्ट है। तुम मर्द नहीं हो, मर्द की फितरत में बेवफाई होती। वफा का ताल्लुक मर्द या औरत से नहीं होता है नीला, वफा का ताल्लुक इंसान की नीयत से होता है। अगर उसकी नीयत अच्छी है, वो दिल का साफ है, तो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। मुझे तुम्हारी सोच पर अफसोस होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें डिसअपॉइंटेड नहीं हूं? हजार काम है, हमारी शादी सर पर है, लेकिन तुम मरियम के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकते? मैं यहां ये सोच कर आया था कि शायद तुम लोग परेशान हो। परेशान तो मैं अब होने लगी हूं मिर्ज़ा।